गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जब केवल आप विश्वास करते हो किसी चीज़ पे, तभी वो चीज़ आपके पास आती है। अगर आपने मनी मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ प्रोसेस या टेक्निक अप्लाई की है, पर अगर आपको उस पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होती है, कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आती है। आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की अगर आपने एफर्मेशन सेट की है कि मुझे मंथली 5 लाख रुपीज़ इनकम है मेरी, 10 लाख रुपीज़ इनकम है मेरी, या जो भी आपने अपने लिए गोल टारगेट या गोल सेट किया है कि मंथली मुझे इतना अर्न करना है, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट के लिए एक जो एफर्मेशन आपने बनाई है, आप उसको बोल भी रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, पर अगर उस पर आपको भरोसा नहीं है तो वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगी। आज का वीडियो सिर्फ इसी पे बनाऊंगी मैं कि आप में वो विश्वास होना चाहिए, तभी वो चीज़ होती है। आप कितना भी एफर्मेशन कर लो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, पर अगर आपको उसमें विश्वास नहीं है तो वो फलीभूत नहीं होता है, वो आता नहीं है, बल्कि उल्टा और अपोजिट काम करना भी शुरू होता है। क्योंकि जितना हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पुल करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही दूर हमसे जाता है। तो इस तरह से फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है। और उस अमाउंट की, पर्टिकुलर अमाउंट की फीलिंग कैसे होगी, वही हमको जो मेन फील करना है या क्रिएट करना है, तो वो फीलिंग कैसी होती है ये हमको पता ही नहीं रहता है, क्योंकि हमने उतने पैसे की फीलिंग ही नहीं की, क्योंकि वो हमारे पास है ही नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो कैसी होगी। तो वही मेन काम करना है आपको, आपको विजुअलाइज करना है, फिर एफर्मेशन देनी है। तो जब आप विजुअलाइज करोगे कि ये इतने अमाउंट का पैसा जब मेरे पास होगा, तो मैं उस अमाउंट से क्या क्या कर सकती हूँ, या मुझे वो अमाउंट क्यों चाहिए। इसीलिए बोलते हैं वाय पे बहुत काम करना चाहिए। वाय मतलब क्यों, क्यों आपको वो पैसा चाहिए, और उसके पीछे की इंटेंशन भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, राइट इंटेंशन होना चाहिए, अदरवाइज वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो इनर बीइंग के गुण हैं, या जो हमारे ओरिजिनल गुण हैं, वो हमेशा अच्छे ही कामों के लिए बने हुए हैं, और अगर हम उससे बैड इंटेंशन रखेंगे तो वो उससे मैच नहीं करेगा, तो वो भी कभी भी यूनिवर्स गलत चीज़ों के लिए साथ नहीं देता। इसीलिए बोलते हैं पहले इंटेंशन सेट करनी चाहिए। और इंटेंशन कैसी होनी चाहिए, जो आपको खुद अपनी लगती हो, जिसका करने में आपको अच्छा लगता हो, और उस इंटेंशन को सर्विस के लिए यूज़ करना चाहिए, उसको बड़ा बनाना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने लिए ही नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की इंटेंशन भी प्योर पॉजिटिव होनी चाहिए, और फिर उस इंटेंशन से रिलेटेड आपने जितना मनी, मान लो आपने 25 लाख रुपीज़ अपना गोल बनाया है, या 5 लाख गोल बनाया है, तो पहले 5 लाख गोल में क्या क्या आप करना चाहते हो, और कितने कितने अमाउंट में क्या कर सकते हो, पहले उसको आप लिख लीजिए। इसमें एक बहुत ही अच्छी मेथड भी है, अब्राहम हिक्स की है जहाँ तक, कि आपको एक गेम खेलना है कि हर दिन आपको, मान लो आपका जो गोल है 5 लाख का है, तो आपको 5 लाख हर दिन खर्च करना है, और उस पर आपको हर दिन उसका जो है डबल करते जाना है, और फिर उसको खर्च करते जाना है, ऐसा आपको 30 दिन तक करना है। कैसे खर्च करना है, पेपर में, आपको पेपर में पर डे लिखना है कि यूनिवर्स ने, या चेक बना लीजिए आप, और हर दिन एक चेक अमाउंट में लिखिए, वो आप गूगल से फ्री ऑनलाइन जो चेक आता है ना, वो आप उससे डाउनलोड कर सकते हो और उसमें लिख सकते हो, वो यूनिवर्स का चेक है, उसका पूरा प्रिंट है, उसमें आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसमें लिखिए कि इतनी मेरी अमाउंट की जो है मंथली इनकम है, और उसके बाद में उसको खर्च करना है, और अगले दिन उससे डबल का चेक बनाना है, साइन करना है, फिर उसमें आपको लिखना है कि आपने इतने इतने पैसे इसमें, और पूरे खर्च करना है। इस गेम की शर्त ये होती है कि आपको बचाना कुछ भी नहीं, आपको अपने जो अकाउंट है उसमें आपको पैसा डिपॉजिट नहीं करना है। मान लो आपने 25 लाख रुपीज़ किया, तो 25 लाख रुपीज़ में, ऐसा नहीं कि आप 5 लाख सेविंग अकाउंट में डाल रहे हो या सेविंग अकाउंट में डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, आपको पूरा का पूरा खर्च करना है, यही उस गेम की शर्त होती है, हर दिन, और जस्ट डबल,
तो जब आप 30 दिन तक करोगे तो खर्च चाहे मेंटली करो या फिजिकली करो, इमोशन सेम होते हैं। तो इसीलिए जब हम ये गेम खेलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाता है कि इतना सारा पैसा मेरे पास है और मैंने इतनी सारी चीज़ें ले ली, तब आपको धीरे धीरे वो फीलिंग आने लगेगी उस पर्टिकुलर अमाउंट की। तो 5 लाख रुपए या 25 लाख रुपए आप उसके अकॉर्डिंगली फिर वो फीलिंग क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो एक गेम के थ्रू भी कर सकते हो जो मैंने बताया। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हो कि उस अमाउंट को आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्पेंड करोगे वो आप लिख लीजिए। फिर जब वो आप करने वाले हो, मान लो आपने हर 6 मंथ में एक आपको कहीं वर्ल्ड टूर पे जाना है या किसी भी जगह आपको घूमने जाना है, तो उस जगह का घूमने में कितना अमाउंट लगेगा, आपको विद फैमिली जाना है, खुद जाना है, कहाँ जाना है, और जब आप वो विजुलाइज करोगे वो करोगे तो ऑलरेडी वो फीलिंग आ जाएगी। देखो पर्टिकुलर अमाउंट की कुछ फीलिंग कुछ वाइब्रेशन नहीं रहता है, उस अमाउंट से आप जो काम करने वाले रहते हो ना उसकी फीलिंग रहती, तो वो तो ऑलरेडी आप कर ही सकते हो। और जब वो कर लोगे तो वो अमाउंट अपने आप ही आ जाता है, आपको फिर उसको मांगना ही नहीं पड़ता क्योंकि आपको ऑलरेडी वो फीलिंग आ चुकी रहती। फिर उसको सबकॉन्शियस माइंड को यूनिवर्स को देना ही पड़ता है क्योंकि वही सच है। जब आपने फील कर लिया है और आपका सबकॉन्शियस माइंड कन्विंस हो गया है तो वो 200% सच होता है और वो आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में। तो दूसरा ये तरीका है कि आप उसको जो जो जहाँ जहाँ स्पेंड करना चाहते हो, मान लो आप घूमने जाना चाहते हो, मान लो आप हर वीक में एक या दो बार बहुत अच्छी डिनर पार्टी पे जाना चाहते हो किसी होटल में, तो उस होटल को इमेजिन कर सकते हो, वहाँ आप नई नई डिश ट्राई करना चाहते हो तो वो फीलिंग क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप इस तरह से जितना आपने अमाउंट किया है आप उसको कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हो वो चीज़ें आप लिखते जाओ, और वो कहाँ कहाँ आप करने वाले हो, उससे क्या क्या करने वाले हो, और उसको विजुअलाइज करके उसकी फीलिंग क्रिएट करोगे तो भी आप उस पर्टिकुलर अमाउंट की फीलिंग क्रिएट कर सकते हो। तो ये 3 रास्ते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट को फील करने के लिए कि वो उतना अमाउंट आपके पास है। पहला तो उसमें आप एक गेम खेल सकते हो कि जितना अमाउंट आपको चाहिए वो डेली आपको उसके चेक खुद बनाना है, अपने नाम पे बनाना है, और डेली उसको पूरा का पूरा खर्च करना है, पेपर पे खर्च करना, पेपर पे लिखना है, मेंटली खर्च करना है, तो वो फीलिंग आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। सेकंड ऑप्शन है कि आप जो भी आपने उसके लिए पैसे से आप क्या क्या करने वाले हो, जो भी गोल सेट किए हैं वो एक एक करके उस गोल को लिखना है और उस काम की या उस गोल की फीलिंग क्रिएट करना है। जैसे वर्ल्ड टूर पे जाना है उसकी करना है, कहीं डिनर पे जाना है उसकी करना है, या किसी और पर्पज से करना तो उसकी, तो वो पर्टिकुलर वर्क की आपको विजुअलाइज करके उसकी फीलिंग क्रिएट करना है। तो जब वो होगी तो वो पर्टिकुलर अमाउंट की फीलिंग भी क्रिएट हो जाती है। और तीसरा है जिसके द्वारा आप पर्टिकुलर उस अमाउंट की फीलिंग क्रिएट कर सकते हो, वो है ईज की फीलिंग। ईज मतलब बहुत आसानी से कुछ भी काम होता है वैसी फीलिंग, या बहुत कंफर्टेबल फीलिंग। दूसरा जॉय की फीलिंग, जो मैं बोलती हूँ ना हर दिन हर समय हर पल खुश रहना है, उसकी फीलिंग। और तीसरी होती क्लैरिटी कि आप बिल्कुल क्लियर हो कि इतना ही अमाउंट है। तो ये तीसरा उपाय है, आप इसके थ्रू भी पर्टिकुलर अमाउंट की जो फीलिंग होती वो क्रिएट कर सकते हो। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है और करना भी उतना ही आसान है लगता होगा, बट इन तीनों पॉइंट में सबसे आसान यही है, क्योंकि जब हमको पता ही नहीं रहता है कि पर्टिकुलर अमाउंट की फीलिंग कैसी होती है तो हम उसको कैसे करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है। बट अगर आप ईज की फीलिंग, कंफर्टेबल की फीलिंग कर रहे हो, क्योंकि कितना भी अमाउंट में पैसा आ जाए, चाहे वो 5 लाख हो, चाहे 25 लाख हो, चाहे 5,000 हो, उसके पीछे का क्या हमारा जो लास्ट एंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है, फीलिंग ऑफ गुडनेस या फीलिंग ऑफ ईज, फीलिंग ऑफ कंफर्टेबल। हम एकदम रिलैक्स रहेंगे, हर काम हम रिलैक्स और पीसफुल माइंड में करेंगे क्योंकि हमें उसकी चिंता ही नहीं है कि पैसा आएगा कहाँ से, कैसा होगा, क्या, कोई हमको चिंता नहीं, यूनिवर्स ऑलरेडी सब कुछ डन कर चुका है और वो डन मेरी लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है। आई एम सेट नाउ, मैं अब बिल्कुल पूरी तरह से सेट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ और वो अमाउंट ऑलरेडी मेरी लाइफ में है, तो मैं कैसा फील करूंगी,
बहुत ईज फील करूँगी, कंफर्टेबल फील करूँगी और इंजॉय करूँगी और क्लियर है, क्लैरिटी है, एकदम क्लियर है मेरे दिमाग में वो अमाउंट कि हाँ इतना अमाउंट हर महीने आना है या डेली आना है या इतना अमाउंट हमेशा आता ही रहता है, डेली आता है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे अच्छा है कि आप ये जो थर्ड उपाय है ये सबसे अच्छा है, मैं भी करती हूँ, आप भी कर सकते हो और इसके रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, इवन इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं कभी कभी तो, क्योंकि क्या है ईज की फीलिंग, कंफर्टेबल की फीलिंग, जॉय की फीलिंग और क्लैरिटी की फीलिंग मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी स्पीड देती है। और फोकस अटेंशन तो रहता ही है, और हमको किसी भी थॉट को मैग्नेटिक पावर देने के लिए दो ही काम करने रहते हैं, कौन कौन सी, सबसे पहला तो है कि उस पे फोकस क्रिएट करना, केवल उसी पे फोकस होना चाहिए, और दूसरा उसको बार बार करना, रिपीटेशन करना। तो ये काम करने से उसका मैनिफेस्टेशन जल्दी होता है, किसी भी नेगेटिव थॉट को आने ही नहीं देना है और आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होगा। तो इस तरह से आप ये तीन उपाय कर सकते हो पर्टिकुलर अमाउंट के मनी की फीलिंग क्रिएट करने के लिए। पहला तो मनी स्पेंडिंग गेम, हर दिन उतना अमाउंट लिखिए, खर्च कीजिए, फिर अगले दिन उससे डबल अमाउंट लिखिए, उसको खर्च कीजिए, मेंटली खर्च करना है पेपर पे। दूसरा, आप उस मनी से क्या क्या करने वाले हो वो सारी चीज़ें लिख के, और वो आप कर रहे हो वो सारा सीन क्रिएट करके उसकी फीलिंग क्रिएट की जा सकती है। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पसंदीदा और सबसे आसान, आपको ईज की फीलिंग आनी चाहिए, जॉय की फीलिंग आनी चाहिए, हर एक मोमेंट को इंजॉय करना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ों से आप पर्टिकुलर अमाउंट की मनी की जो फीलिंग होती है वो क्रिएट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके सही अमाउंट में पर्टिकुलर मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।